हाय संगमने ये जगाटी मुंडियापड़ा नयगढ़ जिलार ये जगाटी जगाटी ना मुंडियापड़ा चलत मो संगे बुलवे आ देखिए ये सब कौन कौन रही पहाड़ी को चढ़ापी आम पाखे दुईट ऑप्शन थी गोटे मटी रास्ता आ गोटे पहाज रास्ता जोटा को मुझे पर देखेबी पहाज रास्ता ता सहित पहाड़ चारिपाखे गाँव रोक मैंने मुंडिया को चढ़ी की ये पहाड़ को मत आसी था दीर्घ अधघंटार पाद चला परे आम आसी पहुँची गलु मुंडियार ऊपर देश में आठ पहुँची देख लु ये पोखरीटी ये टे धुआ धुई हो गला परे समस्त क्लांत चलीगला पाखे थे मंदिर टी प्रभु श्री रामचंद्र माँ सीता अनुज लक्ष्मण और भक्त हनुमान सह ये विराजमान कर वो पाखरे गोटे छोटे शिव मंदिर टे रही सेठ दर्शन सारी मुंडियापड़ार प्राकृतिक सौंदर्य देखापी बसगल गोटे जगार से देखा पड़ू पहाड़ पहाड़ मलमाल पहाड़ संभवतः ये पहाड़ मान साही को बोधे किए कही मुंडियापड़ा कारण पड़ार्थ साही आठ लगुच पहाड़ मान गोटे साही आपड़ देखिपे पग टे कुड़ा थी पचर थ पहाड़ से स्पष्ट देखा जाऊनि किंतु ये बढ़िया लगुला से पगटी इच्छा हो ना छाड़ी आसवापी लोक मैंने केमती पहाड़ चढ़ की आसुचान देखिपे जेहेतु कार्तिक पूर्णमी अवसर था एठार मेला होता तेरे सबुआड़े जनसमगम किंवदंती कहे एटी कड़े भीमंकर आंठ चिन्ह रही आंठ चिन्ह देखापी बहुत लोग पहाड़ ओह्ल जाए देखिले किंतु मत छाड़े आम को बहुत डर लगला आम मझे पहाड़ मझे तलू खसी खसिका पहाड़ मझे ही बसीलु जदि प्रकृति कूल में किसी समय आपण को बीतवा कटेबा को इच्छा होता है ये जगह को निश्चय आसबे प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करेंगे सहित शांत कांत परिवेश रे आपण समस्त दुख कष्ट दूर हो देखिपे मैंने कितने तलर जा बसीु से पहाड़ा आहरी के उच्च रोचे लोक मैंने बहुत तल को जाठार भीमकर जो आंठ चिन्ह अच्छी ताक भी देखुं देखिपे आम के तले धीरे धीरे पहाड़ चढ़ुचु आम देखु पहाड़ पूरा पहाड़ ऊपर चारिपटर दृश्य कितने बढ़िया लगुच नुह कि कार्तिक पूर्णमी अवसर बोली आज यठार ये भिड़ अन्य समय ये भिड़ हो न था संध्या हो गला आमर समय मध्य सर आसला आम ए घर मुहाँ हलु जी गला आम पहाच रास्ता दे पहाच पटे जावाई रास्ता को गोटे बोली लोक पचारू देखिपे लोक मैंने सब जापटे गले पहाच रास्ता पड़ो मो निज अनुभूति मुझे ये कह सांग जिते बड़े भी ये आसबे पादचला रास्ता रे जी आ पादचला रास्ता रे ही घर को फेर कहीं आपन को सहज हम जो मो निज अनुभूति आपन को कहली आल्प बाट रहा आमको तले पहुँचवाकूठ आम सीधा आम गाड़ी पाखक जीव और सेठ आम घर को